गुजरात के गांधीनगर में राहुल गांधी को जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा जोरदार निशाना, कहा जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स। ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। जय शाह के मुद्दे पर राहुल ने प्रधानमंत्री को घेरा, कहा गुजरात सुनना चाहता है अमित शाह के बेटे जय शाह के बारे में क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री। पूरा देश सुनना चाहता है, गुजरात सुनना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं। एक लाइन मोदी जी, सिर्फ एक लाइन इनके बारे में भी बोल दीजिए। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया से लेकर नौकरी तक के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा गुजरात के युवाओं का दर्द सुनने आया हूं। मिशन गुजरात में कांग्रेस ने खेला पाटीदार का दांव, अहमदाबाद में पाटीदार नेताओं के साथ राहुल ने किया लंच। रैली से पहले राहुल और अल्पेश के बीच लंच पर चर्चा, चर्चा में हार्दिक पटेल भी हुए शामिल। एक होटल में राहुल और हार्दिक पटेल की मुलाकात का सीसीटीवी सामने आया। गांधीनगर में राहुल गांधी ने छोटी बच्चे के साथ खाई रोटी, प्याज और मिर्च के साथ खाया खाना। बीजेपी पर कैश बम फेंकने वाले पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल का बड़ा खुलासा, आज तक से बोले मेरे पास गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की खरीद फरोख्त का ऑडियो वीडियो सबूत। मेरे पास वरुण पटेल का सभी रिकॉर्डिंग है, ये इतना पैसा आज आप मैं देता हूँ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नरेंद्र पटेल से किया सवाल, कहा अगर 1 करोड़ रुपए दिए गए तो सिर्फ 10 लाख ही क्यों दिखाए, बाकी पैसे कहाँ हैं? 1 करोड़ रुपया घूस का दावा किया गया है और 10 लाख दिखाया जा रहा है, तो बाकी 90 लाख कहां गए? बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप के बीच राहुल गांधी का ट्वीट, कहा गुजरात को कभी खरीदा नहीं जा सकता। हार्दिक पटेल का करीबी नरेंद्र पटेल ने लगाया था सनसनीखेज आरोप, कहा बीजेपी में शामिल होने के लिए मिली थी 1 करोड़ की पेशकश। देर रात 10 लाख रुपए कैश लेकर मीडिया के सामने आए नरेंद्र पटेल का आरोप, 1 करोड़ में हुई थी डील, 10 लाख रुपए मिले एडवांस, बाकी के 90 लाख बाद में मिलने थे। 15 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए निखिल सवानी ने भी दिया बीजेपी को झटका, बीजेपी का साथ छोड़कर दोबारा हार्दिक पटेल के साथ आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले निखिल, बीजेपी में जाना था गलत फैसला, बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। निखिल ने बीजेपी पर लगाया पाटीदारों की अनदेखी का आरोप, बोले चुनाव के वक्त बीजेपी को याद आ रहे हैं पाटीदार। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले निखिल, राहुल गांधी से मांगूंगा मिलने का समय, शुरू से पाटीदार आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का असली चेहरा आया सामने, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करने वाले कहां हैं। मनीष तिवारी का मोदी सरकार पर सीधा हमला, बोले गुजरात के लोगों को फंड न देने की धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री, चुनाव से बीजेपी को लग रहा है डर। चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, बीजेपी पर लगाया जानबूझकर तारीखें बढ़ाने का आरोप। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले गुजरात में चुनाव कराने का ऐलान, सीईसी अचल कुमार ज्योति का बयान। हिमाचल के लिए कांग्रेस ने जारी की वीवीआईपी प्रचारकों की लिस्ट, 40 बड़े नेता संभालेंगे प्रचार का जिम्मा। गुजरात बीजेपी स्टेट बोर्ड की बैठक में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मौजूदा सियासी घमासान पर मंथन। गुजरात चुनाव के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, कहा गुजरात में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, बाकी सीटों पर कांग्रेस को करेगी समर्थन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का विवादित बयान, कहा कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जेल तोड़ना चाहता हूं। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी नेता आलोक कुमार मेहता का आरोप, बोले नई सरकार में बिहार में बढ़े अपराध। पंजाब में बिजली पर 440 वोल्ट की महंगाई का झटका, घरेलू कलेक्शन पर 7 से 12% का चुकाना होगा दाम, कमर्शियल खपत पर 10% का इजाफा। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कश्मीर में सभी पक्षों से बातचीत की शुरुआत करेगी केंद्र सरकार। कश्मीर के मामले पर बोले राजनाथ, कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री संजीदा, बातचीत की समय सीमा तय नहीं। शर्मा को दिया जाएगा कैबिनेट सचिव का दर्जा, बातचीत के बाद केंद्र और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे दिनेश्वर शर्मा। उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कश्मीर में ताकत के बल पर स्थिति को सुधारने वालों की हार,
महबूबा ने किया फैसले का स्वागत। वसुंधरा सरकार के अध्यादेश पर जंग का मैदान बनी राजस्थान विधानसभा, विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। सरकार के अध्यादेश का बीजेपी के दो नेताओं ने भी किया विरोध, मंजूरी के बिना जजों और सरकारी बाबुओं पर केस नहीं दर्ज करने का है प्रावधान। अध्यादेश के खिलाफ विरोध, कांग्रेस ने किया राजस्थान विधानसभा के बाहर मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। अध्यादेश को लेकर राहुल ने ट्वीट के जरिए वसुंधरा पर कसा तंज लिखा, मैडम चीफ मिनिस्टर हम 21वीं सदी में हैं, 2017 है 1817 नहीं। अध्यादेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी, रद्द करने की मांग। अयोध्या के बाद चित्रकूट में सजा, मुख्यमंत्री योगी का दरबार, मंदाकिनी की महाआरती में हुए शामिल। योगी ने कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की, झाड़ू लगाकर सफाई का दिया संदेश। राम मंदिर को लेकर आज तक से बोले योगी, दोनों पक्ष आपस में सुलह के संकेत दे रहे हैं, अगर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो यूपी सरकार सहयोग को तैयार। या तो दोनों पक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कहीं पार्टी नहीं है, दोनों पक्ष बातचीत करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से सहयोग की बात करती है तो हम उसमें तैयार हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के अलग अलग इलाकों में फैले डेंगू को लेकर किया प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ नारे। दिल्ली में मेट्रो के किरायों को बढ़ोतरी को लेकर मजदूर संगठनों का प्रदर्शन, ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस ने निकाला मार्च। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की 13 दिन से हड़ताल जारी, कर्मचारियों ने फूका आम आदमी पार्टी के विधायक का पुतला। बेंगलुरु में टीपू सुल्तान विवाद पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। चेन्नई में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के सदस्यों ने फिल्म मर्सल के समर्थन में किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान का दावा। दिल्ली के कबाड़ी की दुकान में भीषण आग, आसपास के घरों को नुकसान, शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। राजधानी के ब्रह्मपुरी में दो युवकों पर फायरिंग, एक की मौत, चार बदमाशों की तलाश। हरियाणा के अंबाला में खेत में पराली जलाने से झुलसे 75 साल के बुजुर्ग किसान, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। हरियाणा के फतेहाबाद में बदले की सनक में बीच बाजार खून खराबा, बदमाशों ने ईंटों से युवक पर किया हमला। यूपी के बाराबंकी के बीजेपी के सांसद ने डीएम के खिलाफ सीएम को लिखी चिट्ठी, बोले डीएम नहीं सुनते बात, ट्रांसफर की मांग। यूपी के झांसी में दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर दारोगा की चप्पलों से पिटाई। लखनऊ की सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने दिखाई अपनी ताकत की लाठीचार्ज। दिवाली की छुट्टियां मनाकर लौट रहे लोगों का महाजाम से सामना, रविवार के दिन 5 घंटे तक यमुना एक्सप्रेस पर रेंग के रही गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर 24 अक्टूबर को लड़ाकू विमान करेंगे लैंड और टेक ऑफ, बंद रहेगा ताज एक्सप्रेसवे। बिहार के दरभंगा में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले नाबालिग लड़के की हत्या, गला काटकर हत्या कर दी गई। बिहार के खगड़िया में रेप की शिकायत करने पर दबंगों ने लड़की के पिता को गंदगी पिलाई, पुलिस को आरोपी की तलाश। बिहार के नालंदा से गोद ली गई 3 साल की मासूम बच्ची के अमेरिका में संदिग्ध मौत, बच्ची को किया गया प्रताड़। बिहार के सुपौल में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की सीधी टक्कर, 2 की मौत। बिहार के कैमूर में तेज रफ्तार ट्रक का बिगड़ा संतुलन, बाइक पर पलटा, 1 की मौत। मध्य प्रदेश के दमोह में सनसनीखेज वारदात, बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने पिता को जिंदा जला दिया। मध्य प्रदेश के शिवनी में मेले के दौरान कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह थिरकने लगे। मध्य प्रदेश के सीहोर में शेर ने 5 साल की बच्ची को बनाया अपना शिकार, लकड़ी चुनने गई थी जंगल में बच्ची। मध्य प्रदेश के भिंड में युवक की गोली मारकर हत्या, घर के सामने शराब पीने का किया था विरोध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं, वॉशिंगटन में वॉर मेमोरियल देखने पहुंचे शिवराज। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई से जुड़े आदेशों का पालन न करने पर दिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान बजाने को लेकर अपने फैसले में परिवर्तन करने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आमदनी का निकाला रास्ता, 100 करोड़ रुपए बैंक में जमा कर मिलने वाले ब्याज से पार्टी चलाएगी अपना खर्चा। एनएचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार को अकोला जिले के महिला अस्पताल में लगातार हो रही बच्चों की मौत पर थमाया नोटिस। अगड़ में थल सेना प्रमुख विपिन रावत ने 3 कुमाऊं राइफल्स के 100 साल पूरे होने पर समारोह में लिया हिस्सा। करनाल में मजबूत इरादों के साथ रैंप पर उतरी एसिड अटैक की शिकार महिलाएं, अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब।
सीक्रेट सुपरस्टार लीड एक्ट्रेस और दंगल गर्ल जायरा वसीम का जन्मदिन आमिर खान ने मनाया। बिहार के कटिहार में छठ पूजा की तैयारी, उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बेगूसराय के सिमरिया महाकुंभ में गंगा महाआरती का भव्य आयोजन, श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। अब बैंक से 50,000 से ज्यादा के लेन देन पर फोटोकॉपी नहीं, असली आईडी दिखानी होगी, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजधानी में फर्स्ट और सेकंड क्लास में टिफिन कंफर्म ना होने पर एयर इंडिया का टिकट किराए में अंतर का भुगतान यात्रियों को करना होगा। जीएसटी नोटबंदी के असर से इस साल शादियों का खर्च 10 से 15% तक बढ़ने की आशंका, एसोचैम की रिपोर्ट। भारत की पेंशन प्रणाली में धीरे धीरे हो रहा है सुधार, मेलबर्न वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को 30 देशों में मिला 28वां नंबर। सरकार ने माना छोटे मझोले कारोबारियों पर बोझ कम करने के लिए जीएसटी दरों में बदलाव की जरूरत, राजस्व सचिव हंसरूप अथिया ने कहा स्थिरता आने में लगेगा 1 साल कम से कम। अप्रैल सितंबर में 66 लाख नए निवेशक म्यूचुअल फंड से जुड़े, छोटे शहरों से भी जुड़ रहे हैं इन्वेस्टर्स। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार से आईटी सेक्टर के लिए शानदार साबित हो सकता है साल 2018। यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ग्राहकों के पैसे लौटाए बिना नहीं मिलेगी जमानत। 116 अंकों की बढ़त के साथ 32,506 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 38 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 10,184 पर बंद। 200 रुपए की गिरावट के साथ 30,450 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव, चांदी 50 रुपए बढ़कर 40,900 रुपए प्रति किलो। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। T20 में मोहम्मद सिराज और श्रेयस अय्यर के रूप में 2 नए चेहरे शामिल, सिराज के पिता चलाते हैं रिक्शा।